पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के विस्थापित समाज के लोग दिल्ली के साथ देश के जिन भी अलग अलग हिस्सों के अंदर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने डोमिसाइल बनाए, अपनी धरती के साथ जुड़े, अपनी जमीन के साथ जुड़े। पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर विस्थापित सेवा समिति का 3 दिन का एक कैंप यहाँ पर हमने लगाया, जिसमें दिल्ली के अंदर रहने वाले पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो हमारे लोग हैं, चाहे वो पुलंदरी पुंछ के हों, वो चाहे मीरपुर कोटली मुजफ्फराबाद के, उन सब लोगों से हमारा मिलना हुआ, उनसे बात हुई, वो किन परेशानियों में तकलीफों में हैं वो बात भी उनसे, उसके साथ साथ डोमिसाइल जो बन रहे हैं उसको लेकर उनसे बड़ी बात हुई। बड़ा उत्साह है, लोग अपनी धरती के साथ अपनी ज़मीन के साथ जुड़ना चाहते हैं। अभी ये बड़ी एक लंबी दिल्ली के अंदर लगभग 70,000 से ज़्यादा लोग जो है इस समय पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों ने शपथ ली, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो जहाँ पर लोग आए हुए थे, हमारी बहनें थी, हमारे भाई थे, उन्होंने एक बड़ी शपथ यहाँ पर ली कि हम अपनी पाक ऑक्यूपाइड जमीन जो कश्मीर के पाकिस्तान के पास है वो हमको वापस लेनी है, अपने घरों में वापस जाना है, अपने खेतों में वापस जाना है, अपने बाजार में वापस जाना है, हमें उन्हीं दरियाओं में उन्हीं हवाओं में वापस जाना है जो हमारे बुजुर्गों ने की थी। और उस शब्द के बाद एक बड़ा उत्साह यहाँ देखने को मिला 1994 के उस रेजोल्यूशन को भी यहाँ पर बात हुई कि जो पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हमारा है, वो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे के अंदर है। अगर सदियों बाद इसराइल यहूदी वापस ले सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वापस नहीं लिया जा सकता। मैं आपके माध्यम से पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के विस्थापित समाज के लोग दिल्ली के साथ देश के जिन भी अलग अलग हिस्सों के अंदर हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि वो अपने डोमिसाइल बनाएं, अपनी धरती के साथ जुड़े, अपनी जमीन के साथ जुड़े, और एक बड़ा सब्जेक्ट जो है, बड़ा मिशन जो है पाक ऑक्यूपाइड वापस लेने का, उसका एक हिस्सा बनें।